दिशा में जब भी कोई व्यक्ति धम्म में पहला कदम रखेगा तो उसको तीन बातें छोड़नी पड़ेंगी या तीन बातें अनुभव करनी पड़ेंगी जो उसे छोड़नी है। ये उसका सबसे पहला कदम है। अगर वो ये तीन बातों को अपने साथ रखेगा तो वो धम्म के पहले कदम को आगे नहीं चल पाएगा और वो सोतापन्न का जो लेबल है या सोतापन्न की जो अवस्था है या सोतापन्न का जो स्टेज है उस तक कभी नहीं पहुंच पाएगा। सोतापन्न होने के लिए यानी धम्म की पहली अवस्था को प्राप्त करने के लिए ये तीन चीजें हर एक व्यक्ति को, चाहे वो नर है या नारी है, जो धम्म सीखना चाहते हैं, धम्म में आना चाहते हैं, वो छोड़नी ही पड़ेंगी। इसलिए इसको अच्छी तरह से समझ लें, क्योंकि वो जो छोड़ते हैं वो भी पहले इसका अनुभव करते हैं, पहले देखते हैं कि क्या ये छोड़ने लायक है या नहीं, छोड़ने के अलावा कोई चारा है या नहीं, तब ही छोड़ते हैं। किसी के लिए ये कंपलसेशन नहीं है, कोई कंपलसरी नहीं है, कोई मजबूरी नहीं है, कोई जबरदस्ती नहीं है, कहीं ऐसा नहीं है कि ये नियम इसलिए है कि आपको पहले ये छोड़ेंगे तब आपको धम्म सीखना है। आप उसका पहले अनुभव कर लीजिए, जब आपको लगे कि ये धम्म इससे आगे नहीं पढ़ पाएगा तो वो अपने आप ही छूटती चली जाती हैं। जैसे शरीर पे पड़ा हुआ कोई मोटा कंबल, अगर गर्मी में आदमी उसको लाद के चलेगा तो उसे खुद एहसास होगा कि इस कंबल की वजह से उसको बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है और पसीना आ रहा है और आगे चलना इस गर्मी में दूभर हो गया है, तो वो उस कंबल को छोड़ ही देता है। ठीक ऐसे ये तीन बातें हैं। इन तीन बातों में जो पहली बात है वो है सक्काय दिट्ठि। सक्काय दिट्ठि पाली का शब्द है, इसको संस्कृत भाषा में सत्काय दृष्टि बोलते हैं, और सत्काय का मतलब या सक्काय का मतलब है से काया और दिट्ठि माने देखना। से माने होता है स्वयं। मैंने पहले भी आपको बताया है कि जहां पाली में से लग जाता है या जो अब हिंदी बोलते हैं, जो भाषाएं चलती हैं उसमें जो से है, जैसे से सार यानी संसार, संसार का मतलब है स्वयं का सार। संसार का मतलब वर्ड नहीं है, वर्ड दुनिया बाद में इसको बोला गया है, क्योंकि पाली की भाषा में दुनिया को या वर्ड को परलोक बोला जाता है। तो से सार का मतलब है स्वयं का सार या निज का सार। से माने निज होता है, स्वयं होता है, सेल्फ होता है, स्वयं होता है, खुद होता है। तो यहां सत्काय दृष्टि है, इसका मतलब है कि से काया दृष्टि, अपनी स्वयं की काया को देखना। तो देखने के लिए उसको तीन तरह से देखनी होती है। पहला जो देखना होता है वो देखना होता है कि शरीर हमारा परमानेंट है या इम्परमानेंट है, यानी कि जो शरीर है वो सत है या असत है, यानी कि अनिच्छ है या निच्छ है। अगर व्यक्ति ये मानता है कि शरीर हमारा अनंत काल तक रहता है तो वो सत्काय दृष्टि उसको छोड़नी पड़ेगी, स्वयं की ये दृष्टि छोड़नी पड़ेगी काया के बारे में, क्योंकि शरीर अनिच्छ है, नित्य है। तो अगर किसी को ऐसा धम्म में लेके चलता है कि शरीर हमारा नित्य है, हमेशा हमारे साथ रहेगा, तो वो धम्म में आगे नहीं बढ़ पाएगा। दूसरा आता है भव दिट्ठि। भव दिट्ठि का मतलब है होने की दृष्टि। क्या होना है? अगर किसी को लगता है कि जीवन सिर्फ जीवन और मृत्यु के बीच का समय है, यानी कि हम जो पैदा होते हैं और हम जो मरते हैं उसके बीच का ही जीवन है, तो ये दृष्टि उसको छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि जहां से जीवन आरंभ होता है वो पहले कहीं से चलता है और जहां जीवन समाप्त होता है वहां से वो आगे बढ़ता है। इसको बहुत सारे लोग आत्मा बोल सकते हैं, मगर ये आत्मा नहीं है, ये सौल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप अपने माँ बाप की संतान हैं और आपके माँ बाप किसी की संतान हैं और आपके पुत्र या पुत्री आपकी संतान हैं। तो ये कहना कि आगे का जन्म होता ही नहीं है बिल्कुल झूठ है, क्योंकि आगे के जन्म तो आप खुद भी हैं और आपके माता पिता भी हैं। पीछे के जन्म आपके माता पिता हैं और आगे के जन्म आप हैं और आपके बच्चे हैं। तो जन्म तो लगातार आगे बढ़ रहा है, प्रक्रिया आगे बढ़ रही है, मगर वही जन्म नहीं है, यानी कि पुनर्जन्म नहीं है। आप जो जैसे अब हैं उसका पुनर्जन्म सेम टू सेम बर्थ नहीं है, नेक्स्ट बर्थ है, अगला बर्थ है। इसलिए भव दृष्टि में अगर कोई ये मान के चलता है कि जीवन मेरा जीने से लेके और मरने के बीच समाप्त हो गया और आगे ये काम नहीं करेगा, तो ये दृष्टि उसको छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि भगवान बुद्ध ने ये देखा कि जीवन जब एक समाप्त होता है तो उसके जितने कम हैं उनकी एक फाइल बनती है, उस फाइल में कोड होते हैं, वो कोड वाइब्रेशन के तरंगों के रूप में चलते हैं, और जहां जब जीवन समाप्त होता है तो वो कोड की फाइल, जैसे आज के समय वाईफाई ट्रांसफर होता है, ऐसे ही सबसे ज्यादा कर्मों की जो फाइल होती है, कर्म की फाइल होती है या कर्म के कोड होते हैं या फॉर्मेशन ऑफ वर्क होता है, वो तरंगों के रूप में जाता है और जो रिसीवर उसको ग्रहण कर सकता है
यानी कि जहां के लिए वो कोड बना हुआ है, जिस सुटेबल स्थिति के लिए बना हुआ है, उस जगह जाके वो कोड एक्टिवेट हो जाता है और वहां जाके वो रूप यानी कि हार्डवेयर यानी कि शरीर बनाने की प्रक्रिया आरंभ कर देता है। ये भगवान बुद्ध ने सबसे पहले धम्म में वैशाख पूर्णिमा की रात को पीपल के पेड़ के नीचे तीसरे पहर में पटिच्च समुत्पाद में प्रत्यय समुत्पाद में डिपेंडेंट ओरिजिनेशन में देखा और जाना। तो दूसरी दृष्टि भव की दृष्टि है और तीसरी जो दृष्टि है वो है विभव दृष्टि। विभव दृष्टि में क्या होता है कि ये मानना कि मरने के बाद आत्मा होती है, यानी आत्मा को मानना, सोल को मानना, और ये मानना कि हम ऐसे के ऐसे रूप से जीवन से बाहर निकल के जा रहे हैं आत्मा में, और जो हमारा विज्ञान होता है, व्याणा होता है, जिसको कोड बताया फॉर्मेशन, इसमें बड़ा भारी अंतर है। आत्मा के बारे में बाद में ऐसा बताया गया, अनुमान लगाया गया, कहा गया, क्योंकि देखा तो किसी नहीं, कि ये ना मरती है, ना घटती है, ना बढ़ती है, ना जड़ती है, जबकि बुद्ध ने जो बताया कि जो निकल के जाता है, जो व्याणा है, वो शरीर के कम है, कर्म है। अगर आप शरीर के कर्म को खत्म कर दें, यानी कि राग और द्वेष और मोह मूर्ता के सारे कर्मों को जीरो कर दें, तो फिर कुछ निकल के जाएगा ही नहीं। उस अवस्था को मोक्ष अवस्था, निब्बान अवस्था, अमर तत्व, अमृत या अमृत छकना, इसको बोला जाता है। और भगवान बुद्ध या उनके बाद में जितने भी भिक्खु आए, उन्होंने इसी अवस्था को प्राप्त किया कि उनके शरीर से कुछ निकला ही नहीं, कोई कोड उन्होंने छोड़ा ही नहीं, कोई ऐसा काम ही नहीं किया, ना राग का, ना द्वेष का, ना उनकी ये इच्छा रही कि ये चाहिए चाहिए चाहिए, कोई चीज चाहिए, या नहीं उनकी ये इच्छा रही कि हमें कोई चीज से द्वेष है, नहीं चाहिए नहीं चाहिए नहीं चाहिए, ना ही उनकी ये इच्छा रही कि हमें चाहिए भी हमें नहीं भी चाहिए, यानी मोह मूर्ता भी। तो उनका जो अंदर का पूरी हार्ड डिस्क थी, जो उनका मेमोरी कार्ड था, जो उनका सॉफ्टवेयर था, जहां उसकी सारी मेमोरी रहती थी, कोड रहते थे, वो सारा उन्होंने जीते जी डिलीट कर दिया, फॉर्मेट कर दिया, उसमें एक भी फाइल नहीं बची। और जब एक भी फाइल नहीं बची तो कोड ट्रांसफर ही नहीं हुआ उनके शरीर के खत्म होने के बाद, और जब कोड ट्रांसफर ही नहीं हुआ तो आगे रिसीवर को कुछ मिला ही नहीं। जैसे हम किसी को फोटो भेजते हैं और फोटो अगर हम भेजें ही ना तो सामने वाला रिसीव क्या करेगा, ऐसे ही उनके पास में कुछ भेजने के लिए था ही नहीं, उन्होंने जीते जी खत्म कर दिया। तो उन्होंने निब्बान और अमृत पद को, मोक्ष को चख लिया, सारे दुखों को यहीं छोड़ दिया। तो ये तीन जो दृष्टि होती हैं, विभव की, भव की, और शरीर है या नहीं, अनिच है या निच है, इन तीनों को सक्काय दृष्टि बोलते हैं। इसको हम पांच प्रकार से ऐसे भी कह सकते हैं, एक शाश्वत के रूप में संस्कृत भाषा में कहें, शाश्वत का मतलब है जो हमेशा रहता है, यानी शरीर हमेशा रहता है, कभी खत्म नहीं होता, हमेशा रहे। एक उच्छेदवाद है, उच्छेदवाद का मतलब है कि शरीर अंत हो गया, फिर कभी दोबारा से वो आगे बढ़ेगा नहीं। एक है नास्ति, नास्ति का मतलब कि है ही नहीं, यानी कि जो मरने के बाद में कुछ है ही नहीं, इसको नास्ति बोलते हैं, इन्हीं लोगों को बाद में नास्तिक कहा गया है। एक है अहेतुकक, अहेतुक माने होता है अहेतु, हेतुक यानी हेतु को जो नहीं मानते हैं, जो हेतुवाद को नहीं मानते, कारण को नहीं मानते, जो ये कहते हैं कि हम कारण और उसके रिजल्ट को नहीं मानते, पटच्च समुत्पाद को नहीं मानते, एक अहेतुक होते हैं, हेतुवादी। और एक होता है अक्रिया दृष्टि, अक्रिया दृष्टि का मतलब है जो व्यवहारिक बातों को ना मानता हो। इसको हम पांच भागों में ऐसे भी डिवाइड कर सकते हैं। इस तरह से ये सक्काय दृष्टि होती है। तो सक्काय दृष्टि को आपको छोड़ना पड़ेगा, सक्काय दृष्टि को, तब धम्म में आप आगे बढ़ सकते हैं। यह है बात नंबर एक की। नंबर दो में जो आता है वो आता है विचिकित्सा। विचिकित्सा का मतलब है कि जो आपको संदेह है, जो संदेह है, जो डाउट्स हैं, जो आपके मन में है या नहीं है, या धम्म के प्रति आपको संदेह आ गया, या अपने प्रति संदेह आ गया, या जो बातें आपने सिखाई जा रही हैं उनके प्रति आपको यकीन नहीं हुआ, या जो बातें आप कर रहे हैं और जो अनुभव कर रहे हैं उस पर आपको यकीन नहीं हुआ और आप संदेह में रहेंगे, तो आप धम्म में प्रगति नहीं कर पाएंगे, धम्म को नहीं सीख पाएंगे, क्योंकि आप संदेह में ही घिरे रहेंगे। आपका मन तो संदेह में ही रहेगा कि पता नहीं ये काम करेगा या नहीं करेगा, पता नहीं मैं ठीक जा रहा हूं या नहीं जा रहा हूं, पता नहीं ये जो मुझे बताया जा रहा है ये असर कर रहा है या नहीं। तो आप उसको देखेंगे नहीं, संदेह में रहेंगे। ठीक इसी प्रकार से जैसे कोई व्यक्ति अगर कोई बीमारी चारों तरफ फैल रही हो तो उसको हमेशा ये संदेह रहता है कि पता नहीं मुझे ये बीमारी आ गई या नहीं आ गई, तो वो वैसे ही बीमार हो जाता है, जबकि बीमारी उसको आए या ना आए ये बात की बात है। तो इसलिए संदेह जो होता है विचिकित्सा बोलते हैं इसको, संस्कृत भाषा में विचिकित्सा बोलते हैं। तो जो विचिकित्सा है या विचिकित्सा है
उसको हटाना पड़ेगा, संदेह को हटाना पड़ेगा, जो पर्दा पड़ा हुआ है आंख पे उसको पूरी तरह से क्लियर करना पड़ेगा। आप अनुभव से देखें कि जो आपको बताया जा रहा है वो सही है, तो इसको संदेह के पर्दे को हटा दें, तो आप फिर धम्म में थोड़ी आगे प्रगति करेंगे। और तीसरा होता है सील बतंग, सीलब बतंग होता है यानी सील के व्रत, यानी व्रत यानी सील से व्रत रहना। किन सीलों से व्रत रहना है? व्रत माने होता है अलग रहना, तो किन सीलों से व्रत रहना है? क्योंकि कुछ जो सील है वो वारित होते हैं, जिनसे अलग रहना होता है, नहीं करना होता है, और कुछ सील ऐसे होते हैं जिन्हें करना होता है। तो जो ऐसे कर्मकांड या ऐसे हानिकारक नियम हैं जो धम्म में बाधा डालते हैं, जो आपने पहले से सीखे हैं, जिसमें आप किसी चमत्कारिक चीज की भक्ति कर सकते हैं, या कोई ऐसी परलौकिक चीज है जो शरीर से आगे उसको देखना चाहते हैं, या कोई चिन्ह है, या कोई मूर्ति है, या कोई स्टैचू है, या कोई पत्थर है, या कोई ताबीज है, या कोई धागा है, या कुछ है, आपका अगर यकीन और विश्वास उसमें है, कोई अगर कोई कहानी आपने सुनी या कोई बात आपको बताई, आपका यकीन अगर उसमें है, तो धम्म में प्रगति नहीं हो पाएगी। क्योंकि धम्म में इन किसी भी चीज का कहीं कोई स्थान है ही नहीं। पूरे धम्म में ना तो चमत्कार है, ना ही गॉड है, ना ही कोई चमत्कारिक शक्ति है, ना ही कोई चीज अपने आप होती है, ना ही कभी किसी चीज अपने आप होने का कोई उदाहरण है। सभी काम मनुष्य को करने पड़ते हैं, प्राणी को करने पड़ते हैं। इसलिए झूठी बातों को ग्रहण ना करने का ये सील बतंग होता है। इसको सील परामर्श या सील परामर्श भी बोलते हैं, सील परामर्श या सील परामर्श भी बोलते हैं, यानी कि मिथ्या जो झूठी बातें हैं उनको ग्रहण ना करने का नियम। तो ये तीन बातें जो लोग सबसे पहले करते हैं, इसको हम सत्काय दृष्टि या सत्काय दृष्टि या सीलबतंग या इसको भी चिकित्सा बोलते हैं। तीनों चीज होने के बाद में तब आदमी पहले कदम में यानी कि सोतापन की अवस्था में पहुंचने के लिए तैयार होता है। धन्यवाद। Time.